लावा के करीब विश्व शांति श्रीमद महावाक्य निर्वाचन महावाक्य निरूपण सम्मेलन उत्साह में प्रारंभ हुआ। वाड़ी करीब लावा बोढ़ाला परिसर में 40 दिवसीय विश्व शांति ज्ञान यत्न श्रीमद महावाक्य निर्वाचन निरूपण महासम्मेलन उत्साह से संपन्न हो रहा है। महानुभाव पंथीय समाज व अनुयायियों के लिए यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने हेतु नागपुर महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्य से भी अनुयायी शामिल हो रहे हैं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने महानुभाव पंथीय असंख्य मठों के आचार्य गुरु अपने शिष्यों के साथ उपदेश विधि व संन्यास कार्यक्रम में सहभागी होने हेतु प्रतिदिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। वाड़ी MIDC की पुलिस निरीक्षक संजय जाधव ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर बताया कि समारोह में भारी तादाद में समाज बांधव को सभी व्यवस्था की गई है। दरमियान शिवसेना के सांगुला विधानसभा के विधायक एडवोकेट शाहजी बापू पाटिल ने पुलिस निरीक्षक संजय जाधव के साथ कार्यक्रम स्थल बोटला पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया और प्रमुख आचार्य नरेंद्र बापाजी के आशीर्वाद प्राप्त कर कार्यक्रम में सहभागी हुए। विधायक एडवोकेट शाहजी बापू पाटिल ने बताया कि नागपुर में आने के बाद और इस ज्ञानपीठ में आकर मन को शांति मिली है और बाबा जी का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। उन्होंने उनके मित्र MIDC ट्रैफिक के पुलिस निरीक्षक संजय जाधव का शुक्रिया माना कि उनके वजह से इस शुभ अवसर में आने का मौका मिला। वाड़ी में नागपुर सिटी में महानुभव पंत चक्रधर स्वामी या पंथातील प्रवचन कीर्तन निरूपम असा भव्य असा सोहळा आहे। या संपन्न होत असलेल्या सोहळ्यासाठी आदरणीय येळमकर बाबा आणि भास्कर बाबा यांच्या दर्शनाचा योग माझे परम मित्र इन्स्पेक्टर संजय जाधव PI MIDC वाडी नागपूर यांनी आणला। या ठिकाणी आल्यानंतर ही भव्यता ही दिव्यता ही सुंदरता आणि ही निरामय अशी शांतता पाहिल्यानंतर हे दोन महान साधू तपस्वी हजारो लोकांना या ठिकाणी ज्ञान देत आहेत, दर्शन देत आहेत। गीतेपासून श्रीधर स्वामींच्या विचारसरणीपर्यंत बोधामृत अमृतासारखं ज्ञान त्यांना दररोज या ठिकाणी उणीपुरू 45 दिवस मिळणार आहे। असे महान योग आणि सोहळे हिंदू धर्मात सातत्याने होत राहावेत, लोकांना ज्ञानामृत मिळावं, त्यांच्या जीवनातील दुःख निघून जावं, त्यांच्या जीवनात सुख यावं, आनंद यावा, अशा पद्धतीचे सोहळे आहेत। आणि या सर्व गोर गरीब सर्वसामान्य जनतेला एवढ्या महान तपस्वी लोकांचं दर्शन घडवून देणारे संयोजक जे आहेत ते खरोखरच महान आहेत। अतिशय कष्टातून ही भव्यता त्यांनी निर्माण केली, त्याबद्दल त्या सर्वांना धन्यवाद। पुनश्च एक वेळ मला दर्शन मिळालं त्याबद्दल मीही त्यांना धन्यवाद देतो आणि मी माझ्या स्वतःला कृतार्थ असं समजतो। NBCN न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।